सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। साढ़े को सैवंथ क्लास का टॉपिक असी कर रहे अलजैबरिक एक्सप्रैशनस यानी कि अलजैबरे व्यंजक। यदि असी अभ्यास करनी 12.3 असी देखांगे किसी व्यंजक का अलजैबरे व्यंजक का मूल किस तरह पता करेगा। ठीक है, जिस तरह फस्ट क्वेश्चन है जे एम दो होवे, एम किन्ना है साढ़े को दो, तो हेठ दित्तियां दा मुल पता करो। सब तो पहला है एम माइनस दो। ठीक है, इहदा मुल पता करना जरा व्यंजक एम माइनस दो इहदा मुल पता करना। देखो इहदे विच चल किहड़ा वरत्या गया एम, उहदा सानू मुल गिवन है। असी जिथे जिथे वेरीएबल एम है उत्थे उहदी जगह ते दो लिखना। ठीक है, एम है एम दी जगह ते की लिखना दो, यानी कि आ गया दो माइनस दो, तो दो माइनस दो किन्ना हो गया जीरो। यदा मतलब जे एम दो है तो एम माइनस दो का मुल किन्ना होगा जीरो होएगा। ठीक है, इस तरह ही जिस तरह सैकेंड पार्ट है ये तीन एम माइनस पाँच, तीन एम हूँ एम की जगह पर असं की लिखना दो। ठीक है, तो यह तीन गुणा दो, तुहानू पता है तीन तो दो विच कोई निशान नहीं जे ब्रैकेट ना होंदी। तीन एम का मतलब है तीन एम नाल गुणा होंदे, तीन गुणा एम, थ्री टाइम्स एम। ठीक है, इहदा मतलब तीन एम नाल गुणा होना, तो एम का मुल की आ गया फिर दो। इहदा मतलब हुण तीन एम के मुल नाल गुणा होएगा, यानी कि तीन दूनी किन्ना आ गया छे, तो छे माइनस पाँच किन्ना आ गया एक आ गया। ठीक है, इस तरह ही थर्ड पार्ट भी करना है। फोर्थ पार्ट जिहड़ा है फोर्थ पार्ट हैगा साढ़े को तीन एम स्केयर, यानी कि तीन एम दी वर्ग माइनस दो एम माइनस सात, तीन एम हुण एम किन्ना है दो, उहदा की आ गया वर्ग माइनस दो फिर एम दी जगह दो। ठीक है, जिथे जिथे एम उत्थे दो आ गया। हुण आ पहला वर्ग, वर्ग का मतलब तुहानू वर्ग का मतलब दो नूं दो नाल गुणा करना, तो दो दूने किन्ना हो गया चार। यह भी हुण आ पहला गुणा करांगे, तीन चौके बारह, दो दूनी चार माइनस सत्त, बारह चार बाकी अठ, तो अठ सत्त बाकी एक आंसर। क्लीयर, जिहड़ा फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट है उत्थे असी पांच एम बटा दो माइनस चार, हुण एम की जगह तो पहला असी लिखिया दो, हुण ए पहला कीता पंजो दूनी दस सॉरी ये चार है, हुण दस बटा दो, दस बटा दो यानी कि दस नूं दो नाल करना भाग, तो पंजो दूनी किन्ना आता दस, तो पांच माइनस चार किन्ना आ गया एक। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस जिथे वेरीएबल उहदा बस मुल असी भरना हुंदा है। बाकी इस तरह प्रश्न सारे नैक्सट विच पी दा मुल गिवन है। देखो सैकेंड पार्ट, वेरीएबल पी, पी दा मुल हैगा माइनस दो। ठीक है, तो व्यंजक थर्ड पार्ट इहदा देखो माइनस दो पी दी पावर तीन, माइनस तीन पी दी पावर दो प्लस चार पी जमा सत्त। हुण जिथे इत्थे पी है पहले उत्थे उहदा मुल भरना माइनस दो, माइनस दो आ गया पी, पी दी पावर किन्नी तीन, तो पी दी जगह की लिख लिया सी माइनस दो, फिर पी देगा तो माइनस दो उहदी पावर दो जमा चार, फिर पी, पी नहीं लिखना, पी जगह का मुल लिखना माइनस दो जमा सत्त। ठीक है, हुण आप पहला पावर सोल्व करनी है। हमने दसा जिस तरह इतने पावर दो सी, दो पावर का मतलब उन्हों दो वारी गुणा करना, इतने पावर किन्नी है तीन, यानी कि माइनस दो नूं असीं तीन वार गुणा करांगे। ए माइनस दो तो आवल आ गया। ठीक है, माइनस दो नूं किन्नी वारी गुणा करना तीन वारी, क्योंकि माइनस दो की पावर तीन है, दो दूनी चार, चार दूनी अठ। हुण देखो तीन वारी माइनस आ रहा है, दो वारी कट्टिया गया एक वारी बच जाना, क्योंकि आ माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इहदा मतलब माइनस दो की पावर तीन, यानी कि माइनस दो नूं तीन वार गुणा करांगे तो किन्ना आएगा माइनस अठ, फिर माइनस तीन, इत्थे माइनस दो नूं असीं दो वार गुणा करना, माइनस दो गुणा माइनस दो क्योंकि पावर दो है, तो दो दूने चार माइनस माइनस फिर प्लस, ये किन्ना आएगा चार आएगा, तो चार गुणा माइनस दो जमा सत्त। हुण गुणा करांगे चार दूनी सॉरी अठ दूनी सोलह, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा, फिर चार तीए बारह, फिर प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, चार दूनी अठ जमा सत्त। हुण सोल्व करो, सोलह चो बारह बाकी चार,
चार माइनस अठ कि हो गया माइनस चार जमा सत्त। ठीक है, तैनू पता है जो इन्होंने दो सोल्व करता चार ना प्लस साइन है अठ ना माइनस, प्लस माइनस माइनस करेंगे चार आ गया तो निशान वड्डे वाला। हूँ फिर माइनस प्लस माइनस करना सत्तों चार बाकी तीन तो निशान वड्डे वाला, वड्डी टर्म सत्त है प्लस का निशान आ गया। ठीक है, इस तरह ही बाकी प्रश्न भी ऐसे करने हैं। ठीक है, जिस तरह साढ़े को छेवा प्रश्न है, छेवा देख लो, छेवें का एक पार्ट मैं करता है, छेवें का थर्ड पार्ट। हुण एक्स का मुल गिवन है, एक्स का मुल हैगा है दो, तो कहिंदा सोल्व करो छे एक्स जमा पांच एक्स माइनस दो। हुण एक्स की जगह ही दो भरिया। ठीक है, देखो एक्स एक्स नहीं लिखना उस जगह वह मुल यानी कि दो लिखना, इतने भी एक्स नहीं लिखना उस जगह वह मुल यानी कि दो लिखना, छे दूनी बारह तो पाँच अपला ब्रैकेट सोल्व की दो च दो बाकी जीरो तो पाँच नू जीरो ना गुणा किया जीरो यानी कि आंसर आ गया साढ़े को आंसर आ गया बारह आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह सैवन सैवनथ में तीन तीन उन्हें वेरिएबल यूज़ किए हैं। सैवनथ क्वेश्चन देख लो, एक्स का मुल गिवन है, ए का गिवन है तो बी का गिवन है। ठीक है, एक्स का मुल है साढ़े को तीन, ए का माइनस एक, तो बी का है माइनस दो। क्लीयर, तो व्यंजक एक पार्ट मैं करके दसता तुहानू, इस तरह फोर्थ पार्ट है दा। दस माइनस तीन बी माइनस चार माइनस पाँच बी। ठीक है, इत्थे सिर्फ असी बी का मुल भरना है, दस माइनस तीन बी का मुल है। ठीक है, पहला इस तरह कर लो, पहला बी वाली जगह खा जिथे जिथे बी उन्हों ब्रैकेट लिख लो। हूँ बी जगह तो मुल भर दो कि माइनस दो। ठीक है, माइनस दो है इतने भी माइनस दो। हूँ तीन दूनी छे तो माइनस माइनस प्लस निशान, माइनस चार पाँच दूनी दस एक गुणा होनी। ठीक है, तीन बी का मतलब तीन बी ना गुणा हो रहा है, इतने पाँच बी नाल गुणा हो रहा है। हूँ बी जगह तो ही मुल लिखता मतलब तीन हूँ बी के मुल नाल गुणा होएगा। ठीक है, पाँच दूनी दस तो माइनस माइनस से भी प्लस। हूँ दस तो छे सोलह, सोलह चार बाकी बारह, बारह में दस जोड़े कि आंसर आ गया बाई। ठीक है, हम कई प्रश्न वो ए का मुल भी भरेंगे बी का मुल भी भरेंगे एक्स का। ठीक है, ये सी थोड़ी अभ्यास 12.3। ये असी देखिया कि पढ़िया ये कि किसे व्यंजक अलजबरे व्यंजक का असी मुल किस तरह पता करते जो सानू वेरीएबल का मुल गिवन हो। क्लीयर, धन्यवाद सारों का।